मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। तो ये वीडियो में हम बात करेंगे कि अगले 4-5 दिनों तक मौसम कैसा रहने वाला है पूरे भारत का। और मानसून अभी तक बहुत अच्छी चाल चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। केवल पूर्वी भारत में कमी दिखाई दे रही है, उत्तर पूर्वी भारत में थोड़ी सी कमी है, केरल वगैरह में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है, लेकिन बारिश इन सारे इलाकों में हो रही है। खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये जो इलाके हैं, ये इनको बारिश का इंतजार है। लेकिन जल्दी ही बारिश का इंतजार यहाँ पर खत्म होने वाला है और ये अगले 24 घंटों के अंदर ही, 24 घंटे के बाद ही यहाँ पर बारिश का इंतजार शुरू होने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब प्लस पॉइंट है कि जो वेदर सिस्टम है, लो प्रेशर एरिया जो उत्तर पश्चिम दिशा में यूजुअली आगे बढ़ता था या पश्चिम दिशा में हम देखते थे गुजरात या राजस्थान की तरफ जाता था, ये रिकर्व कर रहा है। जो साइक्लोन बना हुआ है प्रशांत महासागर में, उसका प्रभाव है तो वो उसको खींच रहा है। तो इसीलिए ये पूर्वी भारत की तरफ जाएगा और ये बहुत अच्छी बात है कि पूर्वी भारत में बारिश की गतियाँ अब बढ़ने वाली हैं। तो ये बहुत अच्छा एक तरह से विषय है। और आपने स्काई मेट के ऐप को डाउनलोड कर ही लिया होगा और आपको मालूम है कि अब वो बोल करके जवाब देती है। जब भी आप माइक को दबा के क्वेश्चन पूछेंगे, मौसम से जुड़े कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे कि जयपुर में बारिश होगी या नागपुर में बारिश होगी, दिल्ली में बारिश होगी या क्या तापमान है, वो सारा बोल के जवाब देगी। अगले 15 दिन का फोरकास्ट भी बताएगी। बहुत अच्छी ऐप है, आप डाउनलोड कर लीजिए। तो ये सारा जो मतलब वेदर सिस्टम है इस तरह से बना हुआ है और एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ भी उत्तर की तरफ आ रही है, जिससे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बारिश की गतियाँ बढ़ जाएंगी। और जहां पर मूसलाधार बारिश होती, बाढ़ जैसी स्थिति बन रही थी, जल भराव से लोग परेशान थे, वहां पर राहत मिलेगी। ये बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं ये पहले समझाऊंगा, उसके बाद ज़्यादातर जो शहर हैं, मतलब जो राज्य हैं, उनके शहरों के, उनके मैप के हिसाब से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि अगर हरियाणा है तो हरियाणा में अम्बाला कहाँ पर है, झज्जर कहाँ पर है, हिसार कहाँ पर है। तो इससे मैप से थोड़ा ईजी हो जाता है, इसीलिए मैं मैप की कोशिश करता हूँ, मैप से बताऊँ। तो अगर उत्तर भारत से शुरू करें तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इन इलाकों में मॉडरेट शावर्स होंगे। जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी अगले 2-3 दिनों के दौरान मॉडरेट टू हैवी रेन होगी। पंजाब और हरियाणा में बारिश की गतियाँ बढ़ जाएंगी। तो ये अगर हम देखें तो पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब के जो ज़िले हैं वो गुरदासपुर, पठानकोट से लेकर के अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला और शहीद भगत सिंह नगर, जालंधर और तरन तारण, ये मैं उंगली इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पता लगे कि आपको किस जगह पर कौन सा शहर है। तो ये सारे इलाके काफ़ी अच्छी बारिश देखने वाले हैं, यहाँ पर बारिश की गतियाँ तेज़ होने वाली है, क्योंकि जो भी इलाका है यहाँ पर बारिश की गतियाँ तेज़ होने की संभावना हमें नज़र आ रही है। तो ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे, लेकिन जो फजलिका है, मुक्तसर है, ये फरीदकोट है, मोगा है, बठिंडा है, मनसा है, यहाँ पर बारिश की गतियाँ थोड़ी सी कम होंगी, लेकिन बारिश यहाँ पर भी ज़रूर होगी। तो ये सारे जो इलाके हैं अच्छी बारिश देखने वाले हैं। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों से खंड वर्षा हो रही है, यानी कि पैची रेन हो रही है। अब यहाँ पर बारिश की गतियाँ बढ़ने वाली है एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ, क्योंकि नॉर्थ में आ रही है। तो ये चंडीगढ़, पंचकूला, यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, कैथल, फतेहाबाद, जींद, रोहतक, झज्जर, ये सारे इलाके, गुरुग्राम वगैरह में बारिश की गतियाँ बढ़ने वाली हैं। और ये सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, यहाँ पर थोड़ी सी कमी रहेगी, लेकिन यहाँ पर भी छुटपुट बारिश की गतियाँ रहेंगी और धीरे धीरे यहाँ पर भी बढ़ जाएगी। पूरा हरियाणा अब बारिश देखेगा अगले 3 या 4 दिनों तक। और दिल्ली की बात करें, क्योंकि उसके बाद दिल्ली है, तो दिल्ली के ज़्यादातर इलाके आज हल्की बारिश ज़्यादातर जगह पर देखेंगे, 1-2 इलाके में शॉर्ट स्पेल तेज होगा। उसके बाद 3-4 दिनों तक, ज़्यादा जुलाई के आखिर तक दिल्ली के ज़्यादातर इलाके बारिश देखते रहेंगे और अच्छी बारिश की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जो सहारनपुर है, बिजनौर है, शामली है, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मेरठ, अमरोहा, रामपुर, बरेली, ये बदायूं और ये बुलंदशहर वगैरह, ये सारे इलाके बारिश देखते रहेंगे। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, खुशीनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, गोंडा, ये सारे इलाकों में बारिश की गतियाँ रहेंगी, हल्की रहेंगी। यहाँ पर पश्चिमी इलाकों में ज़्यादा रहेगी। और फिर क्या होगा कि 2 दिनों, 24 घंटे के बाद अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, औरई, कानपुर और हरदोई वगैरह और लखनऊ वगैरह में बारिश की गतियाँ बढ़ जाएंगी। और 29 तारीख से बारिश की गतियाँ जो है पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बढ़ने वाली हैं। अम्बेडकर नगर से लेकर के सुल्तानपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, चंदौली, प्रयागराज, वाराणसी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, ये सारे इलाके बारिश देखना शुरू कर देंगे। इन सारे इलाकों में जो कमी थी वो धीरे धीरे भरपाई हो जाएगी और अच्छी बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार में देखिए, जो
जो तराई वाले इलाके हैं यहाँ पर तो बारिश की हल्की से मध्यम अगले 24 घंटों तक रहेगी, उसके बाद 29-30 तारीख से बारिश की अतिजा पूरे इलाकों में रहेगी, यानी कि गोपालगंज से लेकर के मुजफ्फरपुर और सीवान हो गया, वैशाली हो गया, सारंग है और ये बाकी इलाके हैं, जहानाबाद है और ये खगड़िया है, पूर्णिया है और ये अपना अररिया वगैरह, सुपौल वगैरह, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ होंगी, बहुत ज़्यादा भारी बारिश नहीं होगी लेकिन लाइट टू मॉडरेट यहाँ पर दिखाई देने वाली है। तो बिहार के साथ साथ झारखंड में भी बारिश की गतिविधियाँ अब बढ़ेंगी, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया आपने देखा कि लो प्रेशर एरिया इस तरह से टर्न करेगा तो छत्तीसगढ़ से लेकर के झारखंड पर आएगा, तो ये गढ़वा, पलामू, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोडा, पाकुड़, जमताड़ा, धनबाद, ये रांची और कुंटी, गुमला, ये सारे इलाके और ये सिंहभूमि वगैरह और जमशेदपुर वगैरह, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। और उसके बाद बारिश की गतिविधियाँ 30 तारीख से जो पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर इलाकों में भी देखने को मिलेगी, पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। अब हम पश्चिम दिशा में चलते हैं, राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान में आपने देखा होगा कि मूसलाधार बारिश हुई है और जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो इलाके, चुरू वगैरह, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ अच्छी देखने को मिली थी, क्योंकि पंजाब के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। अब वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा अंदर आएगा तो श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, ये जो इलाके हैं, ये इलाके बारिश से महरूम हो जाएंगे, यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। लेकिन झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, बारा, झालावाड़, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। बांसवाड़ा वगैरह में, चित्तौड़गढ़ में थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन बाकी इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है और पश्चिमी जो जिले हैं वो थोड़े से सूखने लग जाएंगे। अब गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में आपने देखा कि बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई थी, अब धीरे धीरे बारिश कम हुई है, काफ़ी बड़ी राहत है, लेकिन दक्षिणी जो गुजरात है यहाँ अभी भी बारिश की गतिविधियाँ हैं। अब क्या हो रहा है कि हवाएं जो चेंज हो रही हैं और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ पाकिस्तान पर बना था वो हट गया है, तो रन ऑफ कच्छ हो गया और देवभूमि द्वारका है, जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, बेरावल, यहाँ जो जहाँ सबसे ज़्यादा गिर सोमनाथ, जूनागढ़, बेरावल में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी। लेकिन जो सूरत, वलसाड़ और ये डांग है, नवसारी है, ये इलाके अभी भी लाइट टू मॉडरेट रेन देखेंगे। अहमदाबाद, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, ये सारे इलाके छुटपुट बारिश की गतिविधियाँ देखेंगे, यहाँ पर धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ कम होने वाली है। अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो पहले क्या था, नीमच, रतलाम, धार, खांडवा, खरगोन, उज्जैन, रतलाम, सीहोर, रायसेन, विदिशा, अशोकनगर, ये सारे इलाके बारिश देख रहे थे। अब बारिश की गतिविधियाँ, क्योंकि वो जो लो प्रेशर मैंने दिखाया था वो इस तरह से टर्न कर रहा है, तो पूर्वी मध्य प्रदेश से होते हुए झारखंड और जाएगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ जाएगा। तो ये जो रीवा, सिद्धि, सतना, सिंगरौली, शहदोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, जबलपुर, कटनी, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, ये बैतूल, होशंगाबाद, रायसेन, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे, यहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी और बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी कम देखने को मिलेंगी। तो ये सारा हमने कवर किया। अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। तो महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि दक्षिणी गुजरात से लेकर के पालघर, थाने, मुंबई और रायगढ़, रत्नागिरी, ये सारे इलाके बहुत ज़्यादा भारी बारिश देख रहे थे और महाबलेश्वर वगैरह में भी बहुत भारी बारिश हो रही थी। अब यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कम होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया ऊपर की तरफ जा रहा है, जो पुल इम्पैक्ट था वो कम हो गया है और जो अमरावती, अकोला, वाशिम, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, गोंडिया, चंद्रपुर, ये जो इलाके हैं अभी बुल्दाना वगैरह मॉडरेट शावर्स देखेंगे। अब बारिश की गतिविधियाँ जो दक्षिणी, ये सांगली, सतरा, कोल्हापुर और ये उस्मानाबाद और जो उसके आसपास के लाटू, रांडेड, परवनी वगैरह, हिंगोली वगैरह, इन इलाकों में काफ़ी कम हो जाएगी और दो दिन के बाद पूरे इलाके में कम हो जाएगी और यहाँ पर भी पश्चिमी जो तट है यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगी। तो अब अगर हम बात करें बाकी जगहों की, यानी कि और दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं, तो तेलंगाना यहाँ पर था, देखिए वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बना हुआ था, है ना, वेलमार्ग लो प्रेशर यहाँ पर था, अब ये लो प्रेशर यहाँ आ गया और इस तरह से जाके यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो ये जो इलाका है पूरा, यानी कि ये जो आपका तेलंगाना वगैरह ये सब इलाका है, ये और ये विदर्भ वगैरह, ये इलाके में अब बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा कम होने वाली है और ये ट्रफ बनी हुई है, इसीलिए यहाँ पर मॉडरेट शावर्स रहेंगे कोस्टल कर्नाटका और केरल में, और जो तमिलनाडु के वगैरह ये सारा इलाका भी लगभग ड्राई हो जाएगा। तो ये जो पूरा इलाका है हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के ये यहाँ पर ड्राई वेदर की संभावना बन रही है और यहाँ पर भी ड्राई वेदर की संभावना बन रही है और ये जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो यहाँ पर ही काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, यहाँ पर मॉडरेट टू हैवी रेन होने की संभावना नज़र आ रही है।
तो ये अभी तक का अपडेट है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा, यानी कि जैसे अगस्त के महीने में थोड़ा लग रहा है कि मानसून कमजोर होने लग जाएगा, तो कब ऐसा जो होगा, यानी कि कब से वो कमजोर होना शुरू होगा, उसके बारे में हम लगातार डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन जो पहला सप्ताह है अगस्त का, वो भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। और एल नीनो होने के बावजूद अगर 2023 का मानसून अच्छा होता है तो किसानों भाइयों के लिए और पूरे देश के लिए बहुत अच्छी खबर रहेगी। स्काई मेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।